और यहाँ हमारी मम्मी आमचे रॉबिन सेंपाय कसलं दिसतो ऋषा एकदम एकदम भुरट दिसतेस. वेलकम बॅक टू चॅनल गाईज. आय होप सो युअर ऑल डूइंग गुड अँड हमेशा की तरह थँक्स फॉर द लवली रिस्पॉन्स इन द प्रीवियस व्लॉग. आज तो होने वाला है हमारे क्लास में कराटे का एक छोटा सा फंक्शन. मतलब जो आपने मेरे ब्लॉग देखे रहेंगे पीछे तालुका लेवल के थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, उसके बाद स्टेट, फिर नेशनल, वो सब लेवल के कॉम्पिटिशन हुए थे. उसमें कराटे क्लास में हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनका जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया अच्छे से, तो बहुत सारे लोगों को गोल्ड मिला एट द नेशनल लेवल ऑल्सो. तो उसका सेरेमनी होने वाला है आज, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज एग्जाम भी हुआ था, तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है. अब ये जो मैट डाल रहे सब लोग स्टूडेंट्स, तो इसे कहते हैं बाउट, विच इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन रेड एंड ब्लू कलर्स. रेड वाला दिस इज द आउटर वन, ब्लू इज द इनसाइड वन, उसके बाद फिर अंदर. पूरा आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में. कुछ तो 4-4:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी मम्मी भी यहाँ पे चीफ गेस्ट बन के आने वाली है. फाइनली पूरा प्रिपरेशन हो चुका है, तो सिर्फ यहाँ पे अभी चादर डालना बाकी है. सब चेयर लगा लिए पूरे, कुछ तो 7-8 चीफ गेस्ट आने वाले. और आगे का सीन ऐसा, यहाँ पे बीच में बाउट है, कम्प्लीट बाउट. यहाँ पे पेरेंट्स बैठेंगे, यहाँ भी पेरेंट्स रहेंगे, मतलब जो चेयर से उसे पेरेंट्स के लिए. पीछे जो मैट रखा हुआ है वो स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे. और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होगा. बैकग्राउंड सीन्स ब्रॉन्झला गोल्ड म्हणती पूर्वी. कोण 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 आमचे रॉबिन सेंपाय सगळे हेड मॅनेजर. तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं घर, क्योंकि हमें ड्रेस चेंज करना था. मुझे पहले लगा कि मुझे फॉर्मल कुछ तो वगैरह पहनना रहेगा, नहीं तो फिर अपना ऐसा कुछ करके जो यूनिफॉर्म देता है ट्रैक सूट एंड ऑल वो पहनना पड़ेगा. लेकिन मैडम ने कहा कि पूरा सर्टिफिकेशन मेडल सब देना है आपको, तो आप कराटे की ड्रेस में आ जाइए. तो बहुत सालों के बाद ये मेरा कराटे का ब्लैक बेल्ट पहनने वाला हूँ. ये मेरा ड्रेस, तो एक्चुअली दो नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इतना आपको समझाने के लिए कितने टाइप के ड्रेसेस होते हैं. अभी ये 4:30 को पहुंचना था, 4:30 बज के गए. मैडम तो अभी बहुत चिल्लाने वाली है, तो जल्दी से हमें आपको डायरेक्ट क्लास में मिलता हूँ. तो हमारे जो शिरवल गांव के सरपंच है वो अभी आ चुके हैं, जिस ऑल द पेरेंट्स, बीच में स्टूडेंट्स बैठे हैं. और यह हमारी मम्मी हसुनो को, अम्मा अम्मा हसुनो को, हसुनो को अम्मा, हसुनो को, हसुनो को. Ah!
ये हो रहा है बेल्ट सेरेमिनेशन। अभी इनको मिला है येलो बेल्ट, तो हमारी मम्मी है चीफ गेस्ट। हंसा हंसा तो इस तरह दिया जाता है ब्लैक बेल्ट, जो हमारे सबसे बड़े गुरु रहते हैं, मैडम है जो हमारे, तो उनकी तरफ से फिर उनको ये सिटिंग रे में बो किया जाता है। तो उसके बाद ब्राउन बेल्ट निकालने के बाद जो उनको ब्लैक बेल्ट मिला होता है एग्जाम देने के बाद, वो दिया जाता है। अभी तरीका है भीक मांगने का। जे गेस्ट लोकांसाठी आणले होते ढोकळे, ते स्वतःच चरायला लागले थे।
यास्ते आमचे सीनियर मी खाणार पण नाहीये ते गाऊ बु 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 आधी खा आधी खाऊन घे तू मग बोल आधी बोल हा ढोकळे म्हणून गेस लोकांचे चोरले स्वतः खायला आले सगळे तिघ तिघ हे बघा ही पण अरे कुठे खातोय मी काय खाणार वगैरे नाही बघा जे गेस्ट लोकांचे होते ढोकळे लाज वाटले बघा तुम्हाला सगळे खाल बसले तुम्ही बघा असे चर बसले सगळी हा जाओ थांबते सरपंचला सांगतो ढोकळे चोरले तुमचे म्हणून कसलं दिसतो ऋष एकदम एकदम भुरट दिसतेस तो किती वर्षानंतर 15 नाही रे 15 तो मुझे लग रहा है उसको चार पाँच साल बाद मैं वापस ही करटे आपको दिखाता हूँ फिर बोल कैतरी बोल सो रॉबिन सेंपाई कैसा लग रहा है आपको दोबारा ये ड्रेस पहन के पाँच साल बाद ढोकळा मला आवडतच नाही बोल बोल ढोकळा खाल्लाय ढोकळा खाल्लाच ढोकळा आवडतच नाही मला माझ्या चेहऱ्यावर दिसतो होतो ढोकळा खाल्लाय मी थोडा जायची आता मोबाईल का कुठं पळाला हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डिअर हॅपी बर्थडे टू यू ठेव तस ठेव तोंडाला हात चल पटपट चिटिंग 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 तोच हात लाव चल हा त्याला पटकन हात लावा जुगाड जुगाड मग काय चॉकलेट खायची चाट बरी आहे.